हे टू फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे हो और मैं ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो गई, जैसे कि आप लोगों को पता था कि क्या बोलते हैं, अरुण और मेरा सब कुछ ठीक हो गया था, बट एक ऐसा सच है, इतना बड़ा सच जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया, तो आज मैं वो अरुण के साथ बताने वाली हूँ। इसलिए क्या रीज़न था मैं अरुण के साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रही थी, वो मैं आज आपको बताऊँगी। वैसे तो मैंने अरुण को बोल दिया कि मैं सीपी में मिलने आ रही हूँ, बट मैं पहुँच गई, बट अरुण नहीं आया, तो वेट करते अरुण आने के, देन आप लोगों से बात करते। ठीक है, बाय। फोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहे हैं क्या? अरे दोस्त का फोन था। दोस्त का फोन था, दोस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए क्या? दोस्ती भी जरूरी है, प्यार भी जरूरी है, मोहब्बत भी जरूरी है। अरे बस, अब बे इंतहा मोहब्बत जरूरी है। बताओ क्या बताऊँ, कितनी धूप में खड़ा होना जरूरी है यार, और कितनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, देख रही हूँ कितनी गर्मी हो रही है। मुझे पता है, बट क्या बोलते, मेरे को एक बात बतानी थी जो मैं ऐसे सबके सामने साथ बैठ के तो नहीं बता सकती थी ना, इस वजह से यार हम रिलेशनशिप में वापस आ गए। बट मेरी लाइफ का जो इतने दिन मैं तुमसे अलग रही हूँ, बहुत बड़ा सच है एक, जो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि तुम्हें नहीं, और वही रीज़न था कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में। सच है ना, ये सच किसी को बताने या ना बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सच सबको दिख रहा है। आप पहले से कितने मोटे हो गए, सबको दिख रहा है यार, और मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ये सच बताने की जरूरत, लोगों को दिख रहा है ये सच, तो तुम नहीं समझोगे ना। क्या हुआ बता, मैं तो शांति से बता, पेट अंदर करके बात करा कर थोड़ा, इतना दिन पे दिन बाहर क्यों आता जा रहा है ये? पेट तो बाहर आएगा ही ना, पेट तो बाहर आएगा ही ना, प्रेग्नेंट हूँ ना। ये तो मजे मतलब, ठीक है, मजाक लग रहा होगा, अब ये सच है। अरे यार, इतनी गर्मी में कोई मेरे से इतना मजाक करे तो उसकी गर्दन यहाँ से कट। यार अरुण, मेरी बात प्लीज यार, तुम्हें बता दे, वो हम रिलेशनशिप में वापस आ गए, उसके बाद ही मैं तुमसे इतने कम मिल रही हूँ। हाँ वो तो तुम्हें पता ही है, शायद मेरा काम में बिजी हूँ मैं, शायद बोलो मैं भी तो बिजी हूँ इसलिए नहीं मिल रहे थे, वरना तुम्हें मिलना पड़ेगा, तुम्हें पता है। नहीं ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं हूँ मैं, इम्पोर्टेंट नहीं हूँ आपके लिए, इम्पोर्टेंट की बात नहीं है अरुण, तुम्हें पता है। मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे। डायरेक्टली शेयर कर सकते हो ना, ये कैसे बताऊँ क्या करूँ, ये सब चीज़ें क्यों लेके आ रहे हो, डायरेक्टली शेयर करो आप मेरे को, क्या प्रॉब्लम है? आई एम प्रेग्नेंट। हाँ ये तो जोक हो गया, आगे बोलो। आई एम प्रेग्नेंट। ये तो जोक हो गया, लात मारी बाबू ने ये पेट। सीरियसली अगर तुम मजाक नहीं कर देना तो मेरा बच्चा तो है नहीं, है तो किसका है? देखो मजाक सर, एक बात बता देती हूँ, मैं जब तुमसे लास्ट टाइम, मतलब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में वापस इसलिए नहीं आती हूँ कि मैं एक पार्टी में गई थी तुमसे, जब हम एक लास्ट बार मिले, जब तुम मेरे रोज़ वगैरह कुछ लाए थे, तो मैं पार्टी में गई थी एक, और मैंने ड्रिंक वगैरह कर ली थी, एंड मेरा एक फ्रेंड था, उसने मिसयूज़ करा मेरा, और अब वो मेरे कॉल्स नहीं उठा रहा, अब कुछ नहीं, और अब मैं तुमसे ये बातें शेयर करती, मुझे पता था तो मुझे गालियाँ दोगे, और अभी भी मन मन में गंदी गंदी गालियाँ दे रहे होगे। कितना टाइम हो गया इस बात को? डेढ़ दो महीने। अगर कोई मजाक चल रहा है या कुछ चल रहा है तो मेरे को एटलीस्ट पहले ही बता दे। हाँ वो सामने, अब मेरे को पहले ही बता दे, मैं सीरियस हूँ। मैं तुझे क्या बोलता हूँ, मैं तुम्हें चैट दिखा देती हूँ, ये देखो ये रहे उसके चैट, क्या लिखा हुआ है कि तू मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अरुण को कैसे बताऊँ इस बात का, प्लीज। ये जो बहाना होता है ना, देख मैं तेरे को एक चीज क्लियर करता हूँ यार, मैं बहाना नहीं, सुन सुन सुन, बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड के साथ, फ्रेंड विद बेनिफिट करके आके बोलना कि मैं नशे में थी, ऐसे थी। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो नशे नहीं करते, वरना हर कोई कुछ ना कुछ नशा करता ही है, लाइक सिगरेट पीना, हर चीज़, हर सिगरेट पीना, बीड़ी, मतलब किसी न किसी में कुछ ना कुछ नशा होता ही है। और जो ड्रिंक है ना, ड्रिंक अगर इंसान कर भी लेता है, मैंने तो कभी की नहीं, बट कर भी लेता तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कि वो सब कुछ भूल जाता मैंने है, ड्रग्स लिया उसकी था। याद तो ड्रग्स लेने से क्या इंसान मर जाता है, मतलब उसकी याददाश्त चली जाती है, क्या होता यार है? मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे, मुझे लगा तुम बोलोगे कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं तुझे एक्सेप्ट करूँगा, मुझे और मेरे बच्चे को, अरुण तुम अपने मेरे को ऐसे छोड़ दोगे तुम? अगर देख अभी तेरे को सारी चीज़ प्रॉब्लम क्या लग रही है, ये बच्चा है, हाँ है ना? तो तू ऐसा कर सकती है कि ये बच्चा मेरे को दे दियो, उसके बाद मैं तेरे से रिलेशन में नहीं रह पाऊँगा, बात खत्म, क्योंकि उस बच्चे को पालूंगा, उसे अपने बेटे की तरह रखूँगा, बेटे की तरह रखूँगा, जो भी रहेगा अच्छे से ट्राई करूँगा, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा, हर चीज़ उसके लिए बेस्ट से बेस्ट दूँ अपना, क्योंकि उसकी तो कोई गलती है नहीं, गलती तो तेरी है यार अरुण, ऐसा मत करो यार, क्योंकि चरित्र तो तू निकली ना, तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो ना। अब सुन मैं तुझे क्या बोल रहा हूं, प्लीज अरुण पहले मेरी बात सुन ले, मेरे को क्लियर करने दे, मैं यहां कोई गुस्सा या चिल्लाने के लिए नहीं आया, बिकॉज ये पब्लिक प्लेस है, तो मैं तेरे को एक चीज क्लियर कर रहा हूं, जब तक ये नहीं हो, कितना टाइम हो गया तेरे को? ढाई महीने कम से कम। हां तो जब तक ये नहीं हो जाता
तब तक तू मेरे साथ रह, उसके बाद जब ही हो जाएगा तो इसे मेरे पास छोड़ के तू निकल जाओ। तेरे को जो नहीं अरुण, मुझे यार, मैं तुम, हम लोग शादी कर लेंगे ना, हम तो मैं किसी और का बच्चा क्यों पालूं? तो तुम तो अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं पालूं उसको, तो मैं उस बच्चों को पाल लूंगा ना, मगर मैं तुझे क्यों पालूं फिर? तू भी तो मेरी नहीं है ना, तू भी तो मेरी होनी चाहिए। बच्चे के साथ साथ माँ अगर मेरी है तभी तो पालने का फायदा है ना। तो तुम ऐसा समझ लो ना कि तुम्हारा बच्चा और तुमने मेरे साथ किया और ये हमारा बच्चा है। मैं आता हूँ किसी और के साथ फिजिकल होके तो मैं उसका बच्चा लेके आ जाता हूँ, तू रख लेगी? रख लूंगी। उसको भी रख लेगी? नहीं रखूंगी। तो नहीं रखेगी ना उस औरत को, तो मैं तुझे कैसे रख लूं? यार अरुण समझ, मैं तुझे कैसे रख लूं? प्लीज अरुण समझ नहीं। मैं समझ चुका हूं, मैं बहुत ज्यादा समझ रहा हूं। उस नादान की कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं उसे रखने के लिए एक्सेप्ट भी कर रहा हूं। यार अदरवाइज मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो ये समझ नहीं आता कि तुम बॉयफ्रेंड दो दिन 15 दिन के लिए बाहर क्या गया, तुम्हें तो इतनी खुजली मचने लगती है कि दूसरे के पास भग जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। यही आता है ना तुझे, बदतमीजी करना, चांटे मारना, थप्पड़ मारना। इतना गंदा गंदा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में? मैं तेरे बारे में गंदा नहीं सोच रहा, तुम लोग की वजह से, तेरे और तेरे दोस्त की वजह से। उस बच्चे की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी, मैं तुम्हारे साथ एक मजाक कर रही थी, जस्ट एक मजाक था। चुप, मेरी बात सुनो, मैं जस्ट एक मजाक था। तुम इतना गंदा गंदा बोल सकते हो कि खुजली, शेम ऑन यू यार। मैं तुम्हारे साथ जस्ट मजाक कर रही थी कि चल हमें इतना टाइम मिला, मैं उनके साथ मजाक कर लेती हूँ। वो लग रहा सामने कैमरा, ठीक है? तो ये हद होती है, मतलब मजाक की लिमिट की? हाँ छोड़ो मेरा, हाँ छोड़ो। फिलो में एकदम से निकल तो गया। इतना गंदा दोस्त है मेरे बारे में। मोमेंट था यार, ठीक है सॉरी। नहीं अरुण यार तुम सॉरी, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, ठीक है? सॉरी। अबे वो हिट ऑफ द मोमेंट निकल गया मुंह से, मगर मुझे सच में लग रहा है कुछ गड़बड़ी। पेट, वो मेरा पेट ऐसे ही है बाहर, पेट ऐसे ही है तो अंदर करना, इतना खा खा के बाहर निकाल रखा है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक, वीडियो वैसे कंप्लीट नहीं हुई भाई, बट इनने जितना गंदा बोला मेरे लिए, इस वजह से। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, सब कुछ कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।